बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज है फैसल के ईद का, तो ये मेरी बेटियाँ तैयार हो रही हैं, तो आप सबको भी ईद मुबारक। ब्लॉग लेट हो गया है हमारा। और आज हम बना रहे हैं कलेजी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कलेजी को आप अच्छे से वॉश कर लें। बहुत से लोग कहते हैं स्मेल आ रही है और ब्लड रह जाता है इसमें, तो हम आपको इसका टिप देते हैं। आप इसमें हाफ कप सिरका डाल दें और एक कप पानी डाल के 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें इसको इसके अंदर, तो आधी स्मेल तो इसकी इसमें निकल जाएगी, बाकी की फिर हम पकाते पकाते निकाल देंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मसाले मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या जाएंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। मसालों के अंदर आपको चाहिए ये देखिए कलेजी में बिल्कुल साफ है हमारी, इसी तरीके से आप भी करिएगा। इसमें दही जाएगी एक कप, कप का समझ नहीं आता तो आप एक पाव ले लीजिएगा दही। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जाएगा 1 टीस्पून। और ये है कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया का आप कूट लीजिएगा। और ये कुटी लाल मिर्च जाएंगे 2 टेबल स्पून, आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। और नमक आप इसमें बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ी सी वो हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो आप नमक लास्ट में डालिएगा तो आपके कलेजी मिश्र आराम मिलेगी और बहुत मजे की बनेगी। आप ये सब चीज़ें मिक्स करके इसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ दिएगा और बाकी ये काम कर लीजिएगा। हो गया, इसको आप रख दिएगा फ्रिज में, रख दिएगा ज़्यादा बेस्ट है। और शाम में आज हमें पार्टी में भी जाना है, आज माइयों की रस्म है तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी पहले ये अपना काम कर ले, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो इस वजह से बहुत जल्दी हम लोगों ने अपना काम वाम फारिग किया और फिर लोग आना जाना भी लगा हुआ था। तो अब ये हम शुरू करते हैं। इसमें पैन में हम लोग ऑयल ले रहे हैं 1 कप, इसको आप गर्म कर लें। इसमें प्याज का पेस्ट डाल दें, प्याज हमें चाहिए 2 अदद दरमियाने साइज की, इसको आप फ्राई कर लें। और इसके अंदर जाएंगी बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को थोड़ा तोड़ के डालिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर। और एक वीडियो हमारी इसमें स्किप हो गई है, तो वो फिर मैं लगी हुई थी काम में तो मुझे पता ही नहीं चला। तो इसमें जाएंगे टमाटर 2 अदद पेस्ट करके इसको भी डाल देंगे इसके अंदर, और जो आपने कलेजी में मसाला लगा के रखा था वो इसमें ऐड कर दिएगा। और पहले तेज आँच रखिएगा, फिर हल्की आँच करके आप इसको दब में छोड़ दिएगा 10-15 मिनट के बाद। अभी देखिएगा ये इसका पानी खुश होने लगा है, इसमें हरी मिर्च डालें और इसको अच्छे से भूनिएगा। ज़्यादा देर नहीं पकेगी ये, बस जल्दी तैयार हो जाती है। जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी ज़्यादा कलेजी हार्ड होती चली जाएगी और ये बहुत मज़े की बनती है और जल्दी तैयार हो जाती है। और बकरीद में तो सब घर में कलेजी बन रही होती है और सबके स्टाइल अलग अलग होते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको अपना स्टाइल दिखाऊँ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसी बनी है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाइए लाइक कर आइए और शेयर भी करिएगा साथ। इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसको भून लें अच्छा से, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो ये डन है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रहा है, कलर कितना हसीन लग रहा है देखिएगा। और जब ये खाएंगे तो आपके मुँह में पानी पहले से आना शुरू हो जाएगा, जब खाएंगे तो कितना मजा आएगा आपको। और ये हमारी डिश तैयार है।
तब हम आ गए हैं रसम में, हमायूं की रसम हो रही है। नबिया हिरा गाने गा रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के। ये थोड़ा गाने वाने गाया, फिर रसम हुई है, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गाने फिर गाए, फिर उसके बाद हम घर आ गए। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।